बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म दृश्यम 2 को लेकर चर्चाओं में है। फिल्म के पार्ट 1 को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, जिसके बाद से दर्शकों को पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार था। इन दिनों एक्टर फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। प्रमोशन के दौरान अजय देवगन से बेटी न्याशा के बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर अजय ने कहा कि न्याशा अभी टीनेजर है। न्याशा ने अभी तक तो काजोल या मुझे अपने करियर चॉइस के बारे में नहीं बताया। अगर वह फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर देखती है तो वह हमें जरूर बताएगी। यह पूरी तरह उनकी चॉइस है, हमारा उन पर कोई भी प्रेशर नहीं है। एक्टर ने यह भी कहा कि अब तक तो न्याशा ने फिल्मों को लेकर अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, ना ही एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी है, ना ही इसके बारे में कोई जिक्र किया है। बता दें, न्याशा बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। वह कई बार अपने पेरेंट्स अजय देवगन और काजोल के साथ स्पॉट भी होती है। इसके अलावा न्याशा कई बड़े पार्टियों में भी नजर आ चुकी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि न्याशा भी बॉलीवुड में डेब्यू करें। क्या आप भी चाहते हैं कि न्याशा को फिल्मों की दुनिया में कदम रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।